अब जो किया गया है वो बहुत सटल और बहुत आई वुड से ग्लैमरस किया गया है, विच इज़ कॉम्प्लीमेंटिंग दिस एंटायर लुक. और जो थीम है कैलेंडर का, विच इज़ कॉकटेल थीम, तो यू नो दैट ग्लैमर इज ऑल्सो देयर और सटलनेस इज ऑल्सो देयर इन द मेकअप. सो आई एम जस्ट लविंग माय लुक. मेकअप में तो बहुत टाइम लगा एक्चुअली, अनएक्सपेक्टेडली ज़्यादा टाइम लगा. बट और ट्रस्ट मी द वे इट इज़ मेकिंग माई स्किन लुक फ्लॉलेस. आई एम जस्ट लविंग. बहुत ही ब्यूटीफुल आउटफिट है, स्टाइलिश है. स्टाइलिश है दिस पैंट एंड दिस फ्रिल थिंग जो टॉप है, विच इज़ वेरी क्लासी एंड आई बीन हैव स्टाइल इट रियली वेल एंड आई एम जस्ट लविंग द एंटायर लुक. यू नो कैलेंडर फोटोशूट की बात जब जब होती है तो कावेरी जी के दिमाग में क्या कुछ, जहन में क्या कुछ आता है जो फोटोशूट की बात होती है? मुझे तो किंगफिशर के मॉडल्स याद आती है. ट्रस्ट मी, आई हैव बीन grown seeing those pictures and how the models used to look glamorous and they pose. So mere bahut mann tha ki main kuch aisa karu and luckily in the very start of the year I've got something like this and this sort of opportunity and then I'm going to make most of it and I'm just loving it. Yes, but abhi to aisa time nahi hai ki kingfisher ke calendar like ab to nahi hote aise photo shoot. तो ऐसे दूसरे किसी प्लेटफॉर्म पर ऐसे हमें आने वाले दिनों में ऐसे कभी नज़र आएंगे लाइक ऐसे फोटोशूट के लिए? अभी फ़िलहाल तो ये है, आने वाले टाइम में क्या आने वाला है दैट इवन आई डोंट नो, बट आई होप दैट इट कम्स एंड यू नो आई बिकॉज ये जो पूरा शूट का माहौल होता है, वेरी शूटिंग एंड पोजिंग, वो बहुत एक्साइटिंग होता है. तो I'm just looking forward to other shoots as well. Okay, and you know, जब जब फोटोशूट की बात होती है तो फेवरेट पोज क्या होता है कावेरी जी का? फेवरेट पोज कौन कौन से पोज आज देने? See, my favorite pose, मेरे सारे फैंस जानते हैं, my favorite pose is something like this. So that's my favorite pose. I will give one that this pose, one of this pose here also. Let's see. Yeah. तो हम ऐसा माने कि यही पोज कैलेंडर में भी रहने वाला है? वो तो आई विल गिव बहुत सारे ऑप्शंस और उसके बाद देखेंगे किस में मैं सबसे ज़्यादा अच्छी लग रही हूँ. एंड यू नो 2021 में हम सभी आ चुके हैं, इस साल का लोगों को बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार था. आने वाले दिनों में हमें कौन कौन से प्रोजेक्ट हमें देखने को मिलेंगे कि आपका शो हमने देखा लोगों ने बहुत ही अप्रिशिएट किया ना? अभी मैं एक्चुअली कुछ बता नहीं सकती, बट वो जैसे ही आएगा जो चीज़ भी आने वाली है तो आपको खुद पर खुद पता चल जाएगा. सो आई एम ऑल्सो वेटिंग पेशेंटली एंड या लेट्स वेट. वेट का फल अक्सर अच्छा होता है, सब्र का फल अच्छा होता है. सो आई एम कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड कि जो भी होगा, जो भी कैरेक्टर होगा नेक्स्ट, वो बहुत अच्छा होगा एंड पीपल विल लव इट एज मच एज दे हैव लव्ड कुहू. अच्छा, इन दिनों अगर फ्री होती है घर में तो क्या बिग बॉस फॉलो करती हैं? बिग बॉस मैं ऐसा रिलीजियसली फॉलो नहीं करती, बट यू नो सलमान भाई को देखने के लिए मैं ज़रूर देखती हूँ बिग बॉस एंड आई लव द वे वो सब की खिंचाई करते हैं. सो बट आई डोंट रिलीजियसली फॉलो बिग बॉस. इस सीज़न को फॉलो नहीं किया, पहले के सारे सीजन मैंने फॉलो किए, बट दिस सीज़न आई समहाउ मिस्ड इट. थैंक यू जी, थैंक यू सो मच. थैंक यू.